तो फाइनली बिलिंग वाला जो प्रोसेस है स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। मतलब थोड़ा सा लटक गया, अब उसके बाद पूरा राउंड से मतलब सेप से पूरा वेल्डिंग हो गया। पूरा ऐसा लग रहा है कि आग जल जाएगी, और पूरी प्रॉपर तरह से देखिए वेल्डिंग हो गया। धुआं देखिए किस तरीके का निकल रही है पूरा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम आप लोगों के सामने मोटो ब्लॉग पे आए हैं, और बहुत दिनों के बाद ही आए हैं, और मेरा अपना V4 के साथ फर्स्ट टाइम है मोटो ब्लॉग, और मैं पहली बार कर रहा हूँ, और ये मोबाइल से मैं मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं वीडियो क्वालिटी, मतलब आपको कमेंट में बता दीजिए मतलब वीडियो क्वालिटी कैसा है, अल्ट्रा वाइड एंगल कैसा है फ़ोन का। क्योंकि भाई देखो अभी तो स्टार्टिंग है, तो अभी को प्रो तो ले नहीं सकते क्योंकि महंगा आता है। 5-10 हज़ार वाला लेंगे तो उससे कोई तो बेनिफिट होने वाला नहीं है। इसी के चलते मैं सोचा मैं फ़ोन से ही करता हूँ, और जो माउंट है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा। 450 का मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था, और कैमरा क्वालिटी इस फ़ोन में काफ़ी अच्छा है। थोड़ा महंगा फ़ोन है, इसीलिए मैं सोचा कि मोटो ब्लॉग भी कर सकता हूँ, वीडियो बनाता हूँ तो। और आप बता दीजिए कि मतलब एंगल कैसा है, और मतलब इम्प्रूव करना चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा। क्योंकि देखो भाई स्टार्टअप में तो अभी आपको फ़ोन से ही करना पड़ेगा। GoPro का तो थोड़ा महंगा है, क्योंकि जो हीरो है GoPro हीरो उस मतलब 8 या 9, जो अभी तो 7 बंद हो गया फ़िलहाल, तो मैं वही लेने का सोचा, GoPro हीरो 8 मिल जाएगा तो। क्योंकि वो भाई आपको 30,000 के मतलब एबव ही मिलेगा, उसके ऊपर ही मिलेगा, उससे कम तो नहीं। तो बस अभी के लिए तो टाइम लैप्स देखिए। तो भाई हम लोग GoPro के बारे में बात कर रहे थे, और आप समझ ही सकते हैं GoPro तो ज़्यादा मतलब अमाउंट की रहती है, तो बस इसी के लिए। और मतलब जैसे जैसे YouTube चैनल में इम्प्रूव होते जाएगा, या और मतलब मैं सोचूंगा कि हाँ मैं लेने के कैपेबिलिटी ओके हूँ तो फिर मैं लूँगा, नहीं तो फिर उसके बाद तो नहीं। क्योंकि फ़ोन से हो ही रहा है, तो फिर जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो उस समय फिर लेना पड़ेगा। जैसे जैसे मतलब वीडियो और ज़्यादा बनेगी, या फिर और ज़्यादा मतलब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उसके बाद मैं लूँगा। अभी स्टार्टिंग है, इसीलिए अभी तो कुछ डिसीजन ले नहीं सकता, इसलिए मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सके तो चलिए बढ़िया है। और मैंने ये गाड़ी इसलिए ख़रीदी क्योंकि इसका मतलब माइलेज अच्छा है, पिकअप भी अच्छा है, तो 155 cc के मामले में ये गाड़ी तो आपको सबसे बेस्ट ही लगेगी। लोग छत्तर वाला जो मतलब कोट है, मतलब छत्तर से आगे मतलब कोठार बोलते हैं इसको, तो ये मतलब कोट के आसपास पहुंच गए हैं, और फ्यूलिंग करवाना भी है क्योंकि पेट्रोल कम है बाइक में। तो बस मैं काम से जा रहा हूं, और वो काम बता देता हूं। मेरा भाई ने साइलेंसर थोड़ा सा कट करवा दिया था, तो पापा उसको बोलने लगे, तो उसी का मैं गैस वेल्डिंग कराने जा रहा हूँ। क्योंकि ऐसे वेल्डिंग तो होगा नहीं सही से, गैस वेल्डिंग पूरे प्रॉपर तरह से पूरी फिटिंग होती है, और उसमें प्लग उलग की खोलने की टेंशन नहीं रहती है। और ऐसे वाले वेल्डिंग में आपको प्लग उलग और अच्छे से फिटिंग भी नहीं होगी, इसलिए मैं गैस वेल्डिंग ही कराने जा रहा हूँ। और मुझे थोड़ा सा रामगढ़ में कुछ काम है, थोड़ा सा बाइक के ही कुछ है पता पार्ट्स उसके बारे में, तो चलिए आपको टाइम लैप्स दिखाते हैं, और सीधा वहीं वेल्डिंग वाले शॉप पे मिलते हैं। तो फाइनली हम देखिए यहाँ पे दुकान में पहुँच गए हैं, और इधर गैस सिलेंडर है, और अभी मिस्त्री यहाँ पे नहीं है, बाहर गए हुए हैं, वो आएंगे तो फिर करेंगे स्टार्ट। और यही देखिए यही है जो कटवा दिया था, अब इसको एलेंगी से खोला जा रहा है, ये जो मतलब है प्लास्टिक वाला को, अब ये प्लास्टिक वाला पूरा खुलेगा उसके बाद ही वेल्ड होगा। क्योंकि प्लास्टिक वाले की वजह से थोड़ा ये मतलब पूरा कट गया, पूरा नहीं कटा, हल्का सा काटा है, उसे आवाज़ निकाल आवाज़ निकलता है।
हाँ रुकिए अभी आवाज देखिए निकल रहा है कुछ दूसरा। अब ये वाला खपा के देखिए, उसको एक्सीलेट कीजिए थोड़ा सा। जो वेल्डिंग वाला प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाली है। अब आप देख सकते हैं वो जो खोपड़ी था वो खुल गया है। अब भैया इसको खपा रहे हैं, अब कैसे करेंगे अब देखते हैं होता है। बस हो ही गई है, बस थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है। हम देख सकते हैं ये पूरा एकदम पूरी तरह से लाल हो गई है। इतना भयानक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आग भी लग जाएगी। ऊपर से तो हो गई थी, अब इसको नीचे से किया जा रहा है वेल्डिंग। आप देख सकते हैं पूरी प्रॉपर तरह से मतलब फिटिंग की जा रही है, मतलब एक तरह से मतलब लीकेज वीकेज का कुछ नहीं। और इसमें ब्लैक वाला जो स्प्रे है वो मार देंगे तो फिर से हो जाएगा। तो पूरी वेल्डिंग हो गई है, आप देख सकते हैं धुआं तो भयानक निकल रहा है एकदम पूरा। तो राइडर साहब पहुँच गए थे और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, नहीं लंबा हो जाए।